अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह दामिनी वाह, क्या गेम खेली है तुमने। आखिर तुमने राधा और मोहन के बीच में दरार डाल ही दी। लेकिन दामिनी, इस दरार को ना अब खाई में बदलना होगा। आज मोहन ने राधा को डांट दिया और उसका दिल टूट गया, कल उनका रिश्ता भी टूट ही जाएगा। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आज पहली बार मोहन ने राधा से झूठ बोला है, उससे सच छुपाया है। अब ये दोनों अब तक तो साथ हैं, पर क्या आपको पता है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका प्यार, उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास। और एक बार अगर ये विश्वास टूट गया ना, तो प्यार भी छूट ही जाएगा। फिर होगा राधा मोहन का दी एंड। आज का ये दिन ना राधा मोहन के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ने वाला है, आप बस देखते जाइए। चाचू को चोट लगे, फिर दादी को, और अब तो पापा भी तुमसे रूठली बात कर रहे हैं। उनको तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत बैड है, वेरी बैड। गुनगुन गुनगुन ऐसा नहीं बोलते हैं। आपके पापा भी किसी परेशानी में है ना? परेशान है ना थोड़े से, इसीलिए बस उन्होंने ऐसा कहा। और गुनगुन, जो बड़े लोग होते हैं ना, अक्सर जब भी किसी परेशानी में होते हैं तो अपना गुस्सा अपने लोगों पर उतारते हैं। पर हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना सही है। पर गुनगुन, कई बार ना बातों को नहीं, बातों के पीछे छुपे जज्बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अभी अपने पापा की बात को जाने दीजिए। अरे जल्दी चलिए, आपकी स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही आपको। चलिए चलिए जल्दी चलिए। मोहन जी, हमें पूरा यकीन हो गया कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पर क्यों? इससे पहले तो आपने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया, फिर आज क्यों छुपा रहे हैं मोहन जी? अब तो मुझे भी लग रहा है जैसे मोहन कुछ छुपा रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। देखो तुम टेंशन मत लो राधा, तुम जाओ, अब मैं पता लगाती हूँ कि आखिर बात क्या है। हे बाकी बिहारी जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मोहन जी के साथ कुछ गलत होने वाला है। आप बस हमारे मोहन जी की रक्षा करिएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।